गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 10th लेक्चर नंबर है। हम फिजिक्स का कौन सा यूनिट कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है यूनिट, आपको पता हमारा कौन सा चल रहा है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा यूनिट चल रहा है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चल रहा है। और जिसके अंदर आज हम कौन से टॉपिक करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे EMF के बारे में। किसके बारे में? EMF के बारे में, सेल्स के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल मंडोत्रा जी। आपको टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस करना है। क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके फाइन, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जैसे कि मैंने बता दिया आपको क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग है आपकी, वो क्या डालूंगा मैं? सेल्स के बारे में, कि सेल्स होता क्या है, कि व्हाट इज सेल। ओके, देखो मेरा ज़्यादा फोकस समझाने की तरफ होता है, इसलिए हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, आपको सिर्फ समझना है जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना है। ओके फाइन, तो देखो सेल क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या है बेसिकली? ये एक अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट। देखो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ। अरेंजमेंट होता है ऑफ विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, और विच जो क्या करे, प्रोवाइड करे नेसेसरी, आपका जो सेल है वो क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, वही तो लिख रहे हैं। एक अरेंजमेंट होता है जो क्या प्रोवाइड करता है? नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करे? नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस प्रोवाइड करता है? एक सर्किट के अक्रॉस प्रोवाइड करता है। ये किसके अक्रॉस प्रोवाइड करता है? अक्रॉस द, कि कौन सा सर्किट होता है वो? इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैसा सर्किट होता है वो? इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके फोर, ताकि क्यों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है? फॉर द फ्लो ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट। मैं सब समझाऊंगा अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट पहले एक बार देख ले, मैं जो लिख रहा हूँ। देखो बेसिकली एक अरेंजमेंट है ये, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। किसके अक्रॉस? इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस। जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम दे देते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वही चीज़ हमने लिखी है कि सेल के बारे में। ओके, सेल को बेसिकली आपने डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो है। अब अगर हम सेल की बात करूँ, सेल की अगर हम बात करें, सेल होता कैसे है वो समझते हैं पहले, है ना। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग जैसी भी है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए सेल जो बना होता है, पहले चीज जो है आपकी क्या होता है? कंटेनर होता है। क्या होता है? एक आपका इस तरह से, ये देखो एक, उसके बाद ध्यान देना, एक आपका होता है कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर आपका क्या पड़ा होता है? एक केमिकल सॉल्यूशन। एक क्या पड़ा होता है आपका? केमिकल सॉल्यूशन। ये इसके अंदर मान लो, ये इसको बंद किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर होता है केमिकल सॉल्यूशन इस तरह से, फाइन। अब ये केमिकल सॉल्यूशन जब डाला हुआ है, और साथ ही इसके अंदर क्या डाली होती हैं? दो रॉड डाली होती हैं हमने इस तरह से, ठीक है। इन रॉड को हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोड्स। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोड्स, राइट। ये जो रॉड है ना आपकी, दोनों रॉड्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और जो एक इलेक्ट्रोड होती है उसको हम बोलते हैं एनोड,
और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी आपकी, कैथोड। दूसरी कौन सी होती है आपकी, कैथोड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव, वो अलग अलग कंडीशन होती है, वो केमिस्ट्री में आप डिटेल में समझोगे वो सारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल होता है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा था इसके बीच में केमिकल होता है, इस केमिकल का भी नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ गए, मैंने क्या क्या बताया, एक बीकर है, बीकर के अंदर केमिकल सॉल्यूशन है, उस केमिकल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया होता है, इन इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोड होती है वो नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, और मींस एक का नाम हो जाता है आपका एनोड और दूसरी का नाम हो जाता है आपका कैथोड। दूसरी का क्या नाम हो जाता है, कैथोड। बात समझ गए होंगे। और यहाँ पे ऐसे करके वायर्स लगा सकते हो जहाँ से आपको क्या लेने होते हैं, कनेक्शन लेने होते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो जो मैंने ये चीज़ समझाई है ना, यही हमने लिखना है इसके बारे में कि सेल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब सेल जैसे हमने लिखा तो वही हम यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी समझाई वही लिखूंगा यहाँ पे। तो क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। दो प्लेट्स होती हैं, देखा भी अभी आपने, दो प्लेट्स होती हैं जहाँ आप क्या बोल सकते हो उनको, रॉड्स। क्या बोल सकते हो उनको, रॉड्स भी बोल सकते हो, जिनको आपने क्या किया होता है, विच आर डिप्ड इन, जिनको आपने क्या किया होता है, डिप किया होता है। क्या किया होता है, डिप्ड इनटू, किसके अंदर डिप किया होता है उसको, केमिकल सॉल्यूशंस के अंदर। किन के अंदर डिप किया होता है बताओ मुझे, केमिकल सॉल्यूशन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। केमिकल सॉल्यूशन के अंदर डाला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इसकी पिक्टोरियल जो सेल होता है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, देखो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स। पहली बात, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, जहाँ क्या बोलते हैं उसको, रॉड, जो जिनको हमने क्या किया होता है, डिप किया होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये जो आपकी रॉड्स या प्लेट्स होती हैं इनका क्या नाम होता है, दीस रॉड, आप साइड पे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो अपने लिए, ये जो रॉड्स या प्लेट्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। दूसरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। यह बात समझ आई होगी। अब इसकी बात आ जाती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, कि मींस पिक्चर देखने में कैसी होती है ना, हर चीज़ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं पढ़ाता हूँ। तो आप क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, फाइन। आज इसकी हम क्या करने वाले हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको पता होगी कैसे बनाते हैं इसको, एक टर्मिनल बैटरी का क्या होता है, बड़ा होता है, एक टर्मिनल कौन सा होता है आपका, छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है वो कैसा होता है, सॉरी, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो कैसा होता है आपका, नेगेटिव टर्मिनल होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि आपका क्या होता है सेल, राइट। अब सेल को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका EMF। कौन सा टॉपिक है आपका, EMF। EMF का फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या होती है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स क्या चीज है भाई, ये इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है ना, ये एक किस्म का क्या होती है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, फिर इधर आता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना। कुछ टर्म्स चाहिए हमें यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए, उन टर्म्स को पहले मैं समझा लेता हूँ। पहली बात है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक किस्म का, ऐसे दिमाग में रखना, ये है बेसिकली क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक किस्म का। ये क्या होता है आपका, होता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह का, इसका स्पेशल नाम क्यों डाला, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ। ये क्या है आपका, सेल है, और ये इसके टर्मिनल्स है। एक बार मैं फिर से बनाता हूँ अच्छे से। देखिए ये एक आपका क्या है, सेल है,
राइट। और इस सेल के ये क्या है आपके टर्मिनल्स। सिमिलरली एक और सेल बनाया मैंने इस तरह से, और ये इसके टर्मिनल्स। फाइन, अब ये जो टर्मिनल्स हैं, अब दो कंडीशंस बन सकती हैं। जहाँ तो आपने इस सेल को क्या किया होगा, इस बैटरी के साथ, देखो इन सेल्स को एक ये रजिस्टर है, रजिस्टर बनाया सिखाया था ना कैसे बनाते हैं। ये जो रजिस्टर है इस बैटरी के साथ आपने नहीं जोड़ा हुआ, जहाँ कंडीशन क्या हो सकती है, इस रजिस्टर को आपने इस बैटरी के साथ क्या किया होगा, जोड़ा होगा। जब भी रजिस्टर पूरा, देखो चलो इस एक एंड आपने जोड़ भी दिया मान लो इस एंड को, पर आप देख रहे हो यहाँ से आपका ये एंड जुड़ा नहीं हुआ, तो ऐसा सर्किट जो पूरी तरह से यह ऐसे करके पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा, उसे कौन सा सर्किट बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं, ओपन सर्किट। और ये पूरी तरह से क्लोज है तो इसको कौन सा सर्किट बोलेंगे, हम क्लोज सर्किट बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात समझो, जब भी आपका सर्किट ओपन होगा ना, जब भी आपका सर्किट, मैंने क्या बोला, जब भी सर्किट आपका ओपन होगा तो भी करंट जो फ्लो करना होता है ना, उसको कौन सा सर्किट चाहिए होता है, क्लोज, ताकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जाते जाते, देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं, तो ऐसे करके इसको रास्ता चाहिए ना इनको जाने के लिए, ऐसे करके जाना था, पर यहाँ पे रास्ता टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ नहीं पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स रुक गया तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। आपको पढ़ाया हुआ मैंने कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपका कन्वेंशनल करंट चलता है। मैंने क्या पढ़ाया था, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ओके फाइन, तो जब भी आपका ओपन सर्किट होगा तो बात याद रखेंगे आप, करंट आपका उस सर्किट के अंदर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। करंट आपका उसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपका सर्किट क्या है, क्लोज है, तो उसके अंदर आपका करंट जीरो नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आपकी बैटरी सही है तो करंट कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ गए होंगे, इतनी सी ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी जो बात है, अब देखो अगर तो आपका सर्किट क्लोज हो गया, अगर आपका सर्किट क्लोज हो गया तो मीन्स इस सर्किट के क्लोज होने के बाद इस बैटरी के कारण इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो करने लगेंगे, करंट फ्लो करने लगेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा तो मीन्स इस सेल की जो एनर्जी थी वो क्या होगी, जाएगी, यूज हो जाएगी ना, इस सेल की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, यूज हो जाएगी। कब, अगर आपका सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा। अगर सर्किट ही आपका ओपन है तो इसकी वजह से आपका करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, सर्किट ओपन था तो करंट फ्लो नहीं कर पाया। अगर करंट नहीं फ्लो कर पाया तो इस सेल की एनर्जी जो है वो यूज नहीं होगी, एनर्जी यूज जो है नहीं होगा। इस केस में एनर्जी यूज आपका हो जाता है, किस केस में, अगर आपका सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा, तो एनर्जी यूज हो जाता है। अगर इस सेल की एनर्जी यूज होगी है तो जब आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, जो देखो मैंने क्या बोला, क्लोज सर्किट के अंदर जब भी फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो चुकी होगी थोड़ी बहुत, किसके अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर। क्यों यूज हुई, ताकि क्योंकि उसकी वजह से तो करंट फ्लो हुआ था, बात समझ आई होगी। लेकिन ओपन सर्किट के अंदर तो एनर्जी यूज नहीं हुई थी। अगर एनर्जी यूज नहीं हुई तो जब भी आप इसका क्या मेजर करते हो, इसका आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करोगे वोल्टमीटर लगा के, तो आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो एग्जैक्टली जो सही वैल्यू होती है, जो सेल आपका बना था, जैसा सेल बना था वैसा ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, ये हमेशा याद रखना, ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। ये आपको आपको क्या बताती है, हमेशा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। तो एक बात समझो, यहाँ पे आपने क्या सीखा,
आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब मिलती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब मिलती है जब आपका सर्किट कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, जहां उस सर्किट के अंदर आपका करंट जो है कितना फ्लो नहीं करा होता, या मैं यूं बोल सकता हूं नो इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, भाई इस सेल के अंदर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉ का मतलब समझ रहे हो ना, विथड्रॉ करना कोई चीज। तो आपने इस सेल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ नहीं किया है, तो यहीं से हमारी स्टेटमेंट बनेगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो समझेंगे यहाँ पे बात को, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होती है बताओ, इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ इलेक्ट्रोड एंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो आपकी इलेक्ट्रोड्स होती है ना उनके एंड पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, और जब मैं क्या बोल सकता हूं, आपका सर्किट जो क्या है, और सर्किट इज ओपन, जहां का सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, याद रखना किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, हमेशा कैपिटल ई के साथ करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ आ गई है तो सिमिलरली आपकी एक और टर्म आ जाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है आपका नेक्स्ट, आपका टॉपिक नेक्स्ट है आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, राइट कलर फिर से हम यही रखते हैं। तो कौन सा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं एक बार कलर ले लेता हूँ, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, राइट अब देखो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंडेड एज, जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंडेड है आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इट इज डिफाइंडेड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम स्टेटमेंट अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल कब, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाता है इस केस में, ड्रॉ किया जाता है, जब आप क्या करते हो, व्हेन करंट इज ड्रॉन, या इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन, और या क्या बोल सकते हो, व्हेन द सर्किट इज ओपन, और द सर्किट इज सॉरी ओपन नहीं क्लोज, इस केस में क्या होता है आपका क्लोज्ड होता है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल बी के साथ डिनोट करते हैं। अब इसकी सर्किट डायग्राम देखो मैं बना देता हूँ, पूरा का पूरा सर्किट कैसे बना होता है, देखो मान लो ये आपका सेल है, ओके और ये आपका रजिस्टर है, फाइन ओके, यहाँ पे जो भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे, यहाँ पे इसके करो जो पोटेंशियल मेजर करोगे उसको हम क्या बोल लेंगे, ईएमएफ, किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल ई के आपके साथ, और जो बाहर जब रजिस्टेंस पे इंक्लूड हो जाता है जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप इसके अक्रॉस मेजर कर रहे हो
तो मीन्स आपका ये रजिस्टर भी क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। जब ये इंक्लूड हो चुका है, कब इंक्लूड हुआ होगा, जब आपका सर्किट कैसा हुआ होगा, क्लोज्ड हुआ होगा, तभी मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ। और बी होता क्या है बेसिकली, आपका बी आपका क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने अभी भी समझाया। ओके, एक नोट है, नोट हमेशा ये वाला याद रखना, नोट क्या है आपका, देखिए आपका यो मैंने बताया था ना EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा क्या होती है, याद रखना इस बात को, EMF हमेशा क्या होती है आपकी, बड़ी होती है किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, एक सेकेंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, ये हमेशा क्या होता है आपका, V से बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखना, याद रखोगे ना, फाइन। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी लिखा। तो क्या है, EMF आपका हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड लास्ट टॉपिक आज का जो बचा हुआ आपका, वो क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है वो आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, किसकी बात चल रही है, सेल की, तो किसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। अब देखो भी जो आपका सेल होता है ना, थोड़ा बहुत बता दूं मैं, जो आपका सेल होता है, कैसे बताया था मैंने, एक इस तरह से कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हमने दो रॉड्स ऐसे करके डाली हुई हैं, अब बाहर ऐसे करके वायर लगाई होती है, और इसको जब भी आपने कोई सर्किट बल्ब वगैरह जगाना है इसके साथ, तो ऐसे करके हम रजिस्टर को लगा देते हैं। अब बाहर तो ये कनेक्शन बना हुआ है, ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा होगा, तो अंदर कैसे फ्लो करता है, अंदर ये जो सॉल्यूशन डाली होती है ना इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आपका करंट फ्लो करता है। अब बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बीच में जो आयंस फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली जहां पे इसके अंदर करंट फ्लो करता है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज ज्यादा इतनी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइन, ओके। अब ये जो आयंस जब फ्लो कर रहे हैं, तो भी आपका ऐसा थोड़ा ना कि आराम से इसके अंदर आयंस फ्लो कर रहे होंगे, अब डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन कैसा है, पहली बात, टेम्परेचर कैसा है, दूसरी बात, तीसरा बात, आयंस के बीच में कोलिजंस तो नहीं हो रही, थर्ड बात। अब देखो आपको मैंने कंडक्टर में पढ़ाया था, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था, क्यों, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती थी, कोलिजंस। लेकिन सेल के केस में समझते हैं क्या होता है, सेल के केस में जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आयंस का मोशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, कोलिजंस अगर होंगी तो फिर से इनकी जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की चलने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपको पता स्पीड कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो करंट क्या हो जाता है, करंट भी कम हो जाता है, करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आपके लाइफ के ऊपर, ज़्यादा पुराना सेल है तो इसकी लाइफ मीन्स ज़्यादा होगी है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स करंट कम देगा। तो ये सारी बातें होती हैं, इन चीज़ों को आपने क्या करना है, केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, तो मैंने फिर भी ऐसे करके बता दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की अगर बात करें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की क्या मतलब है, इट इज डिफाइंडेड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस होता क्या है, ये एक आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा प्लस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट,
किसको प्रोवाइड किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को। तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए क्या होता है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज रेजिस्टेंस, ये क्या होता है आपका, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय किसके द्वारा बताओ, अभी भी बताया मैंने इलेक्ट्रोड्स एंड किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट, किसको ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप बात समझ आई होगी। अब ये सारा रफ वर्क मैं एक साइड कर देता हूँ, ठीक है, ये सारा रफ है जितना भी है, ये सारा हमने क्या किया है, रफ वर्क किया वाइट की तरफ। ओके, नेक्स्ट देखो इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन फिर से पढ़ते हैं, इसकी कौन सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी, वो समझने वाली बात है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भाई क्या होती है इसकी, ये तो होता है आपका इस तरह से सेल, ठीक है, ये तो आपका सेल होता है। अब दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, जहाँ तो हम क्या करते हैं इसके बाहर ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके रजिस्टर बना देते हैं, जिसको किसके साथ लिखते हैं, स्मॉल आर के साथ। जो दूसरा तरीका इसका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, ऐसे करके, एक सेकेंड, ऐसे करके हमने एक सेल बना दिया, ठीक है, ये तो हो गया आपका सेल, और इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे करके हम स्मॉल आर बना देते हैं। ये दो तरीके हैं इसके रिप्रेजेंट करने के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि किसकी, आपकी सेल की। यहाँ पे इसको हम जिस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरह से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ये है आपकी, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन आपकी कौन सी है, ये वाली। तो मैं इसको ये वाली, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं दोनों में बीच में गैप डाल देता हूँ रेड लाइन के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी कैसी है। फाइन, देखो ये अलग है और ये अलग क्या, और ये EMF की बात हो रही है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा। ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, आपका क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आपका क्या होता है EMF, और क्या होता है आपका सेल। ये सब कुछ आज के लेक्चर में था, कुछ भी डाउट होगी आपने मुझे बताना है। आज का आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, EMF का स्टेटमेंट लिखना है कमेंट सेक्शन में सभी ने। फाइन, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।